दिस इज़ कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग चैप्टर नंबर सिक्स टॉपिक मेमोरेंडम एंड सर्कुलर्स एज़ पर दिलेबस ऑफ इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान आई कैम्प एंड इंस्टिट्यूट ऑफ चार्ट अंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान आई कैप बिसमिल रहीम रबी यासर बलातुवर व रबी तम बिलकर मेमो या मेमोरेंडम मेमोरेंडम और शॉर्टली कॉल्ड मेमो इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन दैट कन्वे सम इम्पॉर्टेंट इमिडियट मैसेजेस इट इज़ अ पर्मनेंट रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन तो मेमोरेंडम क्या होते हैं या जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में मेमो भी कहते हैं ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होती है जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होती है यानी कंपनी के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर आपको कोई इतला देनी है अपने एम्प्लॉज को तो उसके लिए क्या किया जाता है कि मेमोज़ लिखे जाते हैं और ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है मेमोज़ को हिफाजत से रखा जाता है कि ये ऑर्डर्स जो हैं वो पास किए गए थे पर्पस एडवांटेजेस ऑफ मेमोरेंडम क्या होंगे इट कन्वेज द इंफॉर्मेशन दैट नंबर वन इस फ्री फ्राम एम्बिग्यूटी एंड कन्फ्यूजन वो इन्फॉर्मेशन इसके ज़रिए दी जाती है जिसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी यानी कोई इभाम नहीं होगा कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप किसी चीज़ से कोई परेशान नहीं होंगे कि क्या लिखा है क्या नहीं है बहुत क्लियर मैसेजेस होते हैं इट इस्टेब्लिश अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी भी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी यानी जब आपको मेमो मिल गया तो इसका मतलब ये है कि अब आप पर एक ज़िम्मेदारी आ गई और जब जिम्मेदारी आ गई तो फिर ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा भी जाएगा यानी अकाउंटेबिलिटी भी होगी कि आपको ये ज़िम्मेदारी दी गई थी आपने ये काम किया या नहीं किया इसीलिए कहा जा रहा है कि मेमो जो है वो एक परमानेंट रिकॉर्ड है आपका एक डॉक्यूमेंट है इट गिव सफिशेंट टाइम टू द रिसपी टू रिस्पॉन्स और जिसको भी मैम मिलता है उसके पास एक सफिशेंट टाइम होता है कि वो जो जिम्मेदारी उसको दी गई है जिसको कि उसे पूरा करना है या नहीं करना है या जो भी इसके बारे में उसको आंसर करना है तो वो इसका जवाब लिख सके इज़ अ परमानेंट एंड रिटर्न वेरीफाइड रिकॉर्ड ये परमानेंट भी है और वेरीफाइड रिकॉर्ड होता है यानी कि इसको वाज तौर पर दिया जाता है वेरीफाई करके दिया जाता है कि जनाब ये यहाँ तक पहुँचा है पर्पज इज़ एडवान्टज़ ऑफ मेमोरेंडम नंबर फाइव अनाउंस और कन्फर्म अ मीटिंग और इवेंट अनाउंस भी कर देता है इतला कर देता है कन्फर्म कर देता है जब आपको मेमो मिल जाता है तो आप अभी जान जाते हैं कि जी फला मीटिंग फला इवेंट जो है ये कब होना है कैसे होना है ये आपके पास एक कन्फर्मेशन आ जाती है इंटरनल आपको एक मैसेज मिल जाता है प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन अगर कोई हिदायत देनी होती है तो वो भी इसी तरीके से दी जा सकती हैं रिक्वेस्ट फीडबैक और रिकमेंडेशन अगर एम्प्लॉयज से या जिसको भी आपने कोई काम दिया हुआ हो अपॉइंट किया हुआ हो उससे आप कोई फ़ीडबैक लेना चाहते हैं कोई रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंबर्स लिखे जाते हैं समराइजेज़ एक्शन रिक्वायर्ड आफ्टर अ मीटिंग और एक मीटिंग के बाद जो तमाम एक्शन जो भी काम हुए हैं उसकी भी वो सब्री बयान कर देता है क्लैरिफाइज और चेंजेस ऑफ पॉलिसी और प्रोसीजर किसी पॉलिसी में किसी प्रोसीजर में तरीक़कार में कोई तब्दीली आई है मेमोज़ के ज़रिए उसको बयान कर दिया जाता है डिस् डिस्ट्रीब्यूट मिनट्स और हेंड आउट्स फ्रामा मीटिंग और इवेंट कोई भी मीटिंग हुई है कोई ईवेंट्स हुआ है तो जो आप है, हैंड आउट्स वग़ैरह आप डिस्ट्रीब्यूट्स करते हैं तो मेमोस भी उसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं नंबर एवन नोटिफाई अदर्स ऑफ प्रॉब्लम और दैट अ प्रॉब्लम और दैट और दैट अ प्रॉब्लम वॉज रिजॉल्व यानी यह बताता है कि ये प्रॉब्लम है और ये बताता है कि देखिए ये प्रॉब्लम ये एक प्रॉब्लम थी या दूसरों के लिए प्रॉब्लम थी ठीक है और अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है हर तरह से जो भी बात हो उसके लिए आप इस वैमो को दे सकते हैं प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन के लिए दे सकते हैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए दे सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ये कहकर भी दे सकते हैं प्रोवाइड्स अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट और डिसीशन और किसी भी शॉर्ट इवेंट पे कोई डिसीशन लिया गया है या कोई रिपोर्ट दी जा रही है तो वो भी आप मेमो के जरिए प्रोवाइड कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ मेमो अब ये मेमो जो है वो मूव मूव कैसे करता है यानी इसको भेजा कैसे जाता है तो इसको अपवर्ड भी भेजा जा सकता है यानी एम्प्लॉयज़ की तरफ से ऊपर बॉसेस की तरफ भी जा सकता है डाउनवर्ड बॉस की तरफ से डाउनवर्ड नीचे एम्प्लॉयज़ के पास भी आ सकता है हॉरिजॉन्टल यानी आपके अपने लेवल के जो लोग हैं उसमें भी डिपार्टमेंट में वहाँ पे भी यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को एक डिपार्टमेंट के हेड से दूसरे डिपार्टमेंट के हेड को एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय को भी दिया जा सकता है एंड इसकी मूवमेंट जो है वो तीनों तरह से होगी और मेन टाइप्स ऑफ मेम्बोस और किस किस किस्म के टाइप के होते हैं आप तो जो मकसद है उस मकसद के तहत आप एक मेमो निकाल सकते हैं लेकिन जो मेन है ज़्यादातर जो कॉमन है वो क्या है रिक्वेस्ट मेमो हो कन्फर्मेशन मेम हो रिपोर्ट मेमो हो आईडिया एंड सजेशन मेमो इनफॉर्मल स्टडी रिजल्ट मेमो नाम से आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि ये क्या मकसद पूरा कर रहे हैं अब फॉर्मेट ऑफ अ मेमो क्या होगा सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे मेमो memo और मेमोरेंडम की हेडिंग डालेंगे एट द टॉप ऑफ द पेज इन द सेंटर यानी पेज के सेंटर yani में टॉप पर आप मेमो memo या मेमोरेंडम लिखेंगे उसके बाद रिसिपियन एड्रेस लिखेंगे उसका यानी टू ऑल इम्प्लॉइज़ ऑफ द सेल्स डिवीजन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सेल्स डिवीजन के तमाम इम्प्लॉयज़ को देना चाहते हैं तो आप लिखेंगे टू ऑल इम्प्लॉज़ ऑफ़ द सेल्स डिवीजन अगर ऐसा नहीं है ख़ास किसी को देना चाहते हैं तो आप उसका नाम लिख देंगे उस डिपार्टमेंट का नाम लिख देंगे उस शख्स का नाम लिख देंगे फिर इसके बाद राइटर नेम एंड रेजिग्नेशन ऑफ द इनकोडर किसकी तरफ से है है तो सबके लिए लेकिन भेज कौन रहा है तो फ्रॉम लिखकर मिस्टर ए बी सी हेड ऑफ़ सेल्स डिपार्टमेंट इनका पता लिख देंगे एक ही लाइन में ऊपर नीचे नहीं लिखना देन एडिशनल रिसिपेंट अ सी कॉपी रिसीवर एडिशनल रिसिपेंट कौन होगा आप उसको एक करटिसी कॉपी किसी रिसीवर को दे रहे हैं वो लिख दीजिए डेट ऑफ राइटिंग द मेमो ज़रूरी है सब्जेक्ट लाइन ब्रीफ आइडिया अबाउट द मेमो सब्जेट मीटिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉज ऑफ द सेल्स डिविजन हेडिंग आपने डाल दी इसकी सब्जेक्ट लाइन आपने डाल दी द बॉडी ऑफ मेमो जो है वो कहलाएगा कैनिक एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि मेमोरेंडम कैसे लिखा जाता है इसमें आप पहले जैसे आपको बताया कि टू लिखा आपने जिन लोगों को भेजना है लाइक ऑल जूनियर कलर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उनके लिए लिखा गया है फ्रॉम किसकी तरफ से लिखा गया मिस्टर एक्स वाई जेड कौन थे ये हेड ऑफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन है सी सी अगर दी गई है मिस्टर ए बी सी और एच आर डिपार्टमेंट को इसकी जो है वो कॉपी भेज दी गई है कार्बन कॉपी डेट आपने लिख दी फिर सब्जेक्ट जॉब असाइनमेंट फॉर द अपकमिंग फंक्शन वो आपने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ जॉब्स होती हैं अब जो बात आपने लिखी है उसका वो कंटेंट लिखा और उसके बाद आपने ये सबको पहुँचा दिया ये आपका मेमो कम्प्लीट हो गया सर्कुलर लेटर्स की तरफ कि ये कैसे लिखे जाते हैं पहले तो ये कि ये होते क्या हैं सर्कुलर लेटर इज़ अ रिटन प्रोमोशन लेटर इट हेल्प्स टू इन्फॉर्म ऑल द कस्टमर्स एम्प्लॉइज़ अबाउट अ चेंज इन द मैनेजमेंट द ओपनिंग ऑफ अ न्यू फैक्ट्री स्टोर और चेंज इन एड्रेस एक्सेट्रा इट मिनिमाइज इकोलॉजिकल एंड सोशल कॉस्ट सर्कुलर लेटर्स बेसिकली होते किस लिए हैं, हैं? जैसा कि आपको अंदाजा हो जाएगा प्रोमोशन के लिए प्रमोशन मतलब तरक्की करना नहीं है, मतलब ये तरक्की करना इस मामले में कि आपने सबको पहुँचाना है अपनी बात को सब तक पहुँचा देना है तो आप कस्टमर्स को पहुँचाना चाहते हैं आप अपने एम्प्लॉइज़ को बहुत सारे एम्प्लॉज़ को पहुँचाना चाहते हैं मैनेजमेंट को पहुँचाना चाहते हैं तो एक सर्कुलर निकाल दिया जाता है जो कि किसी खास एक शख्स के लिए नहीं होता बहुत सारे लोगों के लिए होता है देखिए मेमो में हमने पढ़ा था कि वो किसी एक ख़ास शख्स के लिए भी हो सकता है ख़ास एक डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है जबकि सर्कुलर जब हम निकाल रहे हैं तो वह सबके लिए निकाल रहे हैं अब इसमें क्या होगा क्योंकि हमने एक ही लिखा और सबके लिए हमने निकाल दिया तो ये मिनिमाइज़ कर देगा आपकी सोशल कॉस्ट को बहुत सारा छापना नहीं पड़ेगा बहुत सारा लिखना भी नहीं पड़ेगा इकोलॉजिकल भी इसकी जो कास्ट हैं जो ज़्यादातर लोगों को आप भेज रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा अब इसके फ़ायदे क्या एडवांटेजेस ऑफ अ सर्कुलर सिंपल एंड इफेक्टिव सीधा साधा होता है और पुरास होता है प्रिसाइज एंड फ्री ऑफ मिसकम्युनिकेशन वही वाली बात जो पहले भी थी मेमोरेंडम में भी छोटा सा लिखा होता है और मिसकम्युनिकेशन नहीं होती गलत फहमी नहीं होती क्योंकि बहुत सारी बातें लिखी ही नहीं होती जो बात लिखनी होती है वही लिखी होती है इनएक्सपेंसिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता टाइम सेविंग एक ही मतलब आपने सर्कुलर निकाला सब में पहुँचा दिया काफ़ी हो गया सबके लिए टाइम भी बच गया हर एक को अलग अलग से नहीं देना क्रिएट्स न्यू मार्केट अब जाहिर है कि अगर ये इस तरह का सर्कुलर है जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ घरों में आ रहा होता है कि कोई सेल्स के सिलसिले में आ रहा होता है या बाहर इश्तेहार लगे होते हैं कि जी आजकल तो खासकर ये हो गया ना कि ट्वे सेवेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट और एट्टी परसेंट डिस्काउंट और ये फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट फ्लाइट के तारे इस तरह के इश्हारा आ रहे होते हैं या जब बच्चों के इम्तिान हो रहे होते हैं इस्कूल इस में एडमिशन हो रहे होते हैं उस वक्त आपके पास आ रहे होते हैं कि जी हमारे स्कूल में एडमिशन दिलवाइए तो ये सारे के प्रोमोशनल लेटर्स ही होते हैं ये सर्कुलर ही समझ लीजिए इनको अच्छा तो ये एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा एडवर्टाइजिंग टूल भी है जो आपकी नई मार्केट आपको कैप्चर करके देता है अब इसको कैसे लिखा जाता है इसकी ये सैम्पल हमने यहाँ आपको दे दिया है पहले वही क्या आपने लेटर हेड पर लिखा ज़ाहिर बिजनेस है तो आपने लेटर हेड लिखा और लेटर हेड पे अपना पता लिखा उसके बाद डेट लेफ्ट साइड पे आपने डेट लिखी उसके बाद अगर आप कस्टमर्स को लिख रहे हैं तो डियर वैल्यूड कस्टमर्स लिख दिया आपने अब जो आप लिखना चाहते हैं लेकिन यहाँ उन्होंने लिखा है कि वो अपना पता उन्होंने चेंज कर दिया तो वी हैव मूव्ड हेडिंग डाल दी कि पहले ही आपको पता लग जाए कि बात क्या लिखी जा रही है उसके बाद जो उसका कंटेंट था वो कंटेंट लिख दिया और उसके बाद आखिर में जिस तरह के आप लेटर को एंड करते हैं कि सिग्नेचर एरिया सेल्यूटेशन लिखा सिग्नेचर एरिया लिखा और आपने इसको फिनिश कर दिया तो ये आपका हो गया सर्कुलर उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रहेगी और आपको समझ में आया होगा कि हम मेमोस कब लिखते हैं सर्कुलर्स कब लिखते हैं दोनों में एक डिफरेंस जो है वो क्या है और इचा अल्ल आप जब आप कभी लिखेंगे तो ये वीडियो आपके लिए साबित होगी आपके लिए बहुत सारी दुआएँ अल्लाह तीन आपको कामयाबी अता फ़रमाए ज़िंदगी में आसानी अता फरमाए आप जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं अल्लाह ताली उस मकसद में ख़ैर डाले और आपको अल्लाह ताली इसमें बहुत सारी कामयाबी अता फरमाए और आप दूसरों के लिए भी खैर का बायस बने अगर हम भी आपके लिए खैर का बायस बने आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इससे आपने कुछ सीखा है तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक और लाइक ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसे लगा इसको इसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम इसको मज़ीद आपके लिए इम्प्रूव किया जा सके थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफ़िज़